सुनो सुनो, ये महाराष्ट्र से ढोल वाले आए हैं, स्पेशल बुलाए हैं आपके लिए। इनका अच्छे से ढोल सुनेंगे और बड़ा कोऑपरेट करो उनके साथ। और हट जाओ थोड़ा सा, इनका ढोल सुनो, थोड़ा इनको जगह दे दो, जगह दे दो बेटे, हट जाओ थोड़ा सा। स्पेशल तो
खुश हैं आप। शर्मा रहा हो मत शर्माओ, आप किसी इंसान के लिए नहीं परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं। जितने परमेश्वर के लिए नाचते हैं याद रखना स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है उनके लिए। खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ। हेलो हेलो महाराष्ट्र वाले टोल आ लो, हेलो ब्रदर और छोटे रुक जा, भी फाइन 2 मिनट बाद सब जा रहे हैं, यहां बैठ जा कुछ नहीं करना, 2 मिनट रुक जा, अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो।
विश्वास करना बोलो। सुनो, आज ये लास्ट स्टेज है, आप जो चक्कर लगाया आपने, आपको बता रहा हूँ बाइबल से, यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर यरीहो की नगरी के चक्कर लगाना, उस दीवार के चक्कर लगाना, और सातवें चक्कर में वो दीवार टूट जाएगी। बहुत सारे लोग चक्कर लगा रहे थे, बहुत सारे लोग ताकत दिखा रहे थे अपनी, लेकिन वो दीवार नहीं टूटी। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, कर्जे की दीवार, आज बहुत सारे कोर्ट कचहरियों की दीवार, बीमारियों की दीवार को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके वो बार बार चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दीवार टूट नहीं रही है। वो अपने पैसे से तोड़ना चाहते हैं, अपनी ताकत से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज क्या बताना चाहता था कि वो चक्कर क्यों लगाया था आपने अभी। हालेलुया, आज बता रहा हूँ, आपके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, लेकिन याईर के पास तेरा धन था, दौलत था, नाम था, शोहरत था, लेकिन उसकी लड़की मरने पर थी, एक ही लड़की थी उसकी। आज हो सकता है किसी के पास नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन आप चक्कर काट काट कर थके हो, आपका पैसा बर्बाद हो रहा हो, लेकिन आप जगह जगह थके खा रहे हो, लेकिन कोई काम हल ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि ये तरीका है, कह रहे कि इन लोगों को बता, लेकिन लोग कह रहे थे नहीं, यीशु कह रहा था, उसके लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे और चक्कर लगाएंगे और दीवार तोड़ देंगे, लेकिन यीशु ने, उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन लगाने के बाद क्या हुआ कि पहला चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, छह चक्कर, आप एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, चार स्टेज, जगह जगह से आप घूम करा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उनका चक्कर नहीं टूटा, क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था बाइबल में, मैंने कहा परमेश्वर सातवें चक्कर में तूने उनकी दीवार क्यों तोड़ी, उनकी समस्या की दीवार खत्म क्यों की? परमेश्वर ने कहा पहले चक्कर में ये कह रहे थे हमारे पास पैसा है, हम पैसे से खत्म कर लेंगे, हमारे पास ताकत है। आपको पता है जो जिम जाते हैं डोले दिखाते हैं, मेरे गाने करके सोचते हैं अपने अपने डोलों से दीवार गिरा देंगे। सारे बोला हालेलुया जी। जिमी खड़ा पहलवान था मुंडा, मैं कहता है कि मैं दीवार डोले नाल दीवार गिरा देंगे। आज हो सकता है कि तुम कह रहे होंगे साढ़े पैसे नाल सारा आप ब्लैट चले जावांगे, लेकिन जब काम रुक जाते ने, जब कुछ भी नहीं बनता, उसके बाद जब लोग परेशान हो जाते ने, उसके बाद कह रहे हैं कि आज याद रखना, जब कोई रास्ता नजर ना आए उस समय यीशु मसीह का दामन थाम लेना। हालेलुया, और कह देना परमेश्वर जो काम वकील से, डॉक्टर से, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा। आज यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन लोगों ने उसको ठुकरा दिया, अपने लोगों ने उसको तुच्छ जाना, अपने लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत देश से एक संत, एक ज्योतिष मेरा वहां पर गया और उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कह रहे कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह पर जो ईमान लेकर आते हैं उनका जो उद्धार होने वाला यीशु मसीह का। जब मैं प्रभु में आया पहली बार किसी के साथ शोभा यात्रा में गया था, और जिस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, मैंने कहा यीशु मसीह मुझे दर्शन दे, मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे कोई दर्शन नहीं मिला। मेरी माँ बीमार थी, लोग कह रहे थे कोमा में चली जाएगी, उधर मेरा भाई बीमार था, टीबी की प्रॉब्लम में था, उधर मेरी दादी की किडनियाँ खराब थी, मरने पर थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरा मकान गिर गया, मेरा बाप मेहनत करता था, मकान गिर गया, और मैं मुझे दुष्टात्मा तंग करती थी, और मैं किसी के कारण से जेल चला गया। मेरे को किसी ने बताया यीशु मसीह उद्धार करता है, मैंने कहा अब तो कोई रास्ता है ही नहीं, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर माँ बीमार पड़ी है, भाई बीमार पड़ा है, दादी बीमार पड़ी है, बाप का पैसा खत्म हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई, मकान गिर गया है, लेकिन अब कह रहा है कि अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं है, सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए, सारे ताके तबीजे फेल हो गए, सामने भूतड़ियां खड़ी हो गई मेरे। मैंने कहा अरे क्या तंत्र मंत्र चलेंगे, क्या पैसा चलेगा, कुछ नहीं काम आया मेरे। मैं उस समय उस रात कह रहा सब खड़े थे मरने वाला है, कभी तेरी माँ, तेरा भाई या तू मरने वाला है, शैतान मेरे सामने खड़ा होकर बोलता था, कह रहा कि मैं तुझे मार दूंगा। मैंने कहा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कोई शोभा यात्रा पर मैं कह रहा हूँ मेरी जब जवान हो तो वहां से मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग कह रहे कि उस समय में एक रैली निकाल रहे थे, और उसी समय कह रहे थे कि यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, कह रहा झूमो नाचो गाओ यीशु पैदा हुआ। मैंने कहा कौन है ये,
कह रहा ये उद्धार करता है। कह रहा मैंने कहा उद्धार करता किस बात का? उसने कहा यीशु के नाम का मतलब जो उसका नाम ले लेता है, कह रहा उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। जो उसका नाम ले लेता है उसके दुख खत्म हो जाते हैं, दर्जा चला जाता है, बीमारियां चली जाती है, बीमार चंगा हो जाता है। तेरा इसके चक्कर काटने से, यीशु का नाम लेने से तेरा एक मुर्दा जिंदा हो जाता है, अरे मरे हुए काम जिंदा हो जाते हैं। मैंने उस दिन सोचा कि मरना तो है ही, लेकिन आज मैं यीशु मसीह का नाम लेकर देखता हूँ। लोगों ने कहा अरे ये तो धर्म बदलता है, दूसरे देश का भगवान है। मैंने भी कहा अरे ये तो हमारा भगवान नहीं है, लेकिन मैंने कहा अरे क्या जा रहा, एक बार लेके देख लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो बल्ले बल्ले कर देंगे यीशु मसीह की। और जिसमें मैंने कहा यीशु तेरी जय जयकार हो। उस दिन मैं भी उस रैली में पीछे तुम्हारी तरह हल्ला बोलते हुए शामिल हो गया था। आज बंसर में जोश में हूँ, सारे बोलो हालेलुया। और मैं हल्ला बोलकर घुस गया उस भीड़ में, और मुझे नहीं पता क्या हुआ, किसी ने मेरा पर्स मार लिया, मैंने कहा ले जाओ, किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मैंने कहा फाड़ दो। आज तो यीशु मसीह आ गया है, हालेलुया। मैंने कहा तो यीशु के लिए दिल फाड़ कर भी देने वाला हूँ। मैंने कहा यीशु मसीह चमत्कार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। मैं भीड़ में नाच रहा था पागलों की तरह, दीवाना हो गया था। अगर आज उसी समय नाचते नाचते मैं गिर गया, बेहोश हो गया, और उसी समय एक आवाज आई बोलते उठ खड़ा हो जा, कह रहा यीशु मसीह आज से तेरी सवारी करेगा। हालेलुया। अरे लोग मुझे कदा बोलने लगे, बोलते कदा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फौज की नौकरी किया, लोगों ने कहा कदा है। मैंने कहा चाहे कदा समझ लो, आज तो यीशु मसीह सवारी कर रहा है मेरी। मैंने कहा कदा है, किसका नाम लेना है? मैंने कहा अरे कह दो जो कहना आज। मैंने कहा आज बजिंदर सिंह रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे सर्टिफिकेट आया जब 10वीं का, उस पर नाम लिखा था बजरजिंदर सिंह। मैंने कहा आज से बजिंदर सिंह दूसरों के लिए बजेगा। हालेलुया। यीशु के लिए बजेगा आज से, और हल्ला मचाएगा पूरी दुनिया में। और मैंने कहा परमेश्वर तेरी शोभा यात्रा में नाच कर जा रहा हूँ, दिल खोल कर जा रहा हूँ। मैं देख रहा था अच्छे घर का लड़का था, जमींदार का लड़का हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वहां पर, ये क्या हो गया पागलों की तरह से नाच रहा है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, आज तो यीशु मसीह मेरे ऊपर आया हुआ है, आज तो उसकी सवारी मेरे ऊपर है। अगर आज ऐसे दीवाने बनकर दिखा दोगे आज यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं आपकी दीवार खत्म हो जाएगी, दर्जे की दीवार टूट जाएगी आज, बीमारियों की दीवार टूट जाएगी आज, कोर्ट कचहरी की दीवार टूट जाएगी आज, समस्या की दीवार टूट जाएगी आज। मैं तो दीवाना हो गया। और जिस समय यम में थककर सब लोग मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार क्या जो लोग वहां पर घूम रहे थे, मैं तो कुछ नजर नहीं आया। सबको फोन लगाया, मैंने कहा मुझे उठा दो, इतना दीवाना हो गया हूँ। कोई नहीं आया फोन लेने के लिए, लेकिन कोई फोन भी उठा कर ले गया। और क्या हुआ, बेहोश पड़ा था। मैंने कहा अरे भाई रिक्शे वाले घर ले जा। बोलता घर आ क्या बात, पीला है क्या? कहता पियाना है। मैंने कहा पिया नहीं है, अन्ना की तरह दीवाना हो गया हूँ यीशु मसीह का। अरे मैंने कहा पीकर नहीं आया हूँ, मैं यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया हूँ। बोलता अरे तेरा कहाँ है तेरा घर? मैंने कहा घर ले चल। रिक्शे में पकड़ कर मुझे घर ले गया, लेकिन उस समय मैं रोता हुआ जा रहा था। मैं कह रहा था आसमान के खुदा अगर तू है मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरे भाई को ठीक कर दे, तेरे लिए नाच कर जा रहा हूँ। आसमान के खुदा ने कहा घर में प्यार रखने से पहले कराए एक नहीं तेरे घर के सारे मरीज चंगे होंगे आज। और जब मैं गया, मैं कह रहा हूँ पहले ही वहां पर मेरी माँ मेरा स्वागत कर रही थी, मेरी दादी वहां पर खड़ी थी, मेरा भाई वहां खड़ा था, मेरा बाप खड़ा था। अरे कमाल हो गया, कैसे हो गया? मैंने कहा यह तो यीशु मसीह का चमत्कार हो गया है। नाच कर जा रहे हो आज, हालेलुया बोल कर जा रहे हो आज, अपना पैसा खर्च करके आए आज, धक्के लगे होंगे आज, आज कुछ भी हुआ होगा, कपड़े फट गए होंगे, मोबाइल गिर गया होगा, गिरने देना। कह रहा जब तक आपका कुछ फटेगा नहीं आपकी प्रमोशन नहीं होगी, याद रखना। अगर फट रहे हो आज मसीह आने के बाद, आज रात के बाद तरक्की तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा यीशु मसीह करने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं एक भविष्यवाणी करके जा,
रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के दुकानदार के जितने भी खड़े हैं, जितने भी आज मैसेज को सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, याद रखना यहोवा चुरावा कर रहा है, कह रहा है कि वो तारा आज रात तुम्हारे घर आने वाला है। और मुझे एक आवाज आई, बोलते कि तारा घर आने वाला है, और उसी समय मैंने कहा मेरी माँ का नाम तो तारा ही है, हालेलुया। और मैं उछलने लगा। यीशु मसीह ने मुझसे उस दिन वादा किया था, कह रहा पूरी दुनिया का नंबर वन प्रॉफिट बनाऊंगा तुझे, एक लोग नहीं होगा तेरे पीछे लाखों लोग होंगे। चले जाओ पीछे तक देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है, लाखों लोग हैं। और इस क्रिसमस पर संदेश देने के लिए आया हूं कि अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान लिया है, जन्मदिन मिस ना करना। ये अनॉइंटिंग प्लेस है, जितने से अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे तेरा काम खुल जाएगा। कि जकरिया के पुस्तक में लिखा, जकरिया के सतारा के 14 में लिखा, 14 के सतारा में कह रहा है जो इसराइल के परमेश्वर के पास ना आए दंडवत करने, नमस्कार करने, करा उसके यहाँ पर परेशानी होगी। लेकिन याद रखना जो क्रिसमस पर ताजपुर चर्च में आएगा उसके घर में नोटों की बारिश होगी। एक तो आ गया है, हालेलुया। मैंने क्या कहा, करा जो आएगा उसके घर में करा के नौकरियों की बारिश होगी, चंगाई की बारिश होगी। अपने पड़ोसी को पूछो बहुत आएगा कि नहीं। करा तैयार हो जाओ 25 दिसंबर के लिए, लेकिन आज नाचना मेरे साथ, तैयार हो के नहीं, दीवाने होकर नाच रहा आज, शर्माना नहीं आज। मेरा हालेलुया। सुनो जो नाच रहे थे आज उनके ऊपर आशीष की वर्षा होगी। यीशु ये सच कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा अभी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, जिसने इतना सभी बीज बोए शोभा यात्रा के लिए, किसी को लंगर खिलाया, कुछ भी खिलाया, कुछ भी आप करे, आपने कुछ भी ना किया हो, आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आपने चक्कर लगाया, परमेश्वर कह रहा हूं उनके घर जाएंगे, कह रहा है शैतानी चक्कर खत्म होगी आपसे, ब्लेसिंग आज से आपके ऊपर आएगी यीशु के नाम में। ऐसे देख रहा हूं जिसके नाम सुनो NPRS, एम से, जे से, जी से, के से, ए, टी नाम वाले, एल नाम वाले, उनके बच्चे 3.5 महीने से पहले गवर्नमेंट जॉब में भर्ती हो जाएंगे। लिख लेना हृदय की पट्टियों पर यह भविष्यवाणी, परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। शोभा यात्रा इसलिए आई है आपको आनंद देने के लिए। पता है आप कितने लोग चल रहे हैं, आप लाखों लोग चल रहे हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं गिन नहीं सकता हूं, चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं, तरफ फरिश्ते घूम रहे हैं। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपके प्रेम को, आपके जोश को देखकर मेरी भूख मिट गई है, हालेलुया। ये गवाही है, गवाही बनेगी आपकी, ये पवित्र आत्मा। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय देखो, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे, जो लाइव सुन रहे, इस समय हम शोभा यात्रा का मैसेज देने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को। हम इनविटेशन देते हैं शहर को कि वो उद्धार करता हमारे बीच में आ चुका है, यीशु मसीह का नाम है। जिस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जिस पर विश्वास करेगा वो शांति को देखेगा, जो विश्वास करेगा वो छुटकारे को देखेगा, वो ब्लेसिंग को पाएगा। और इसी समय मैं यीशु मसीह के नाम में आज घोषणा करता हूँ, पथरियां बाहर जाए, रसौलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए, किडनियां जाए, आंखों की रोशनी वापिस आए, काला मोती आ जाए, चिट्टा मोती आ जाए, बहरा बन जाए, भूखा बन जाए, आसान हो जाए, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ियों में से इंफेक्शन जाए, किडनियों में से इंफेक्शन जाए, पथरियां बाहर आ जाए, बाहर आ जाओ, आदेश करता हूं, छोड़ दो, कर्जे डालने वाली आत्मा बाहर आ जा, 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 फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, मेरे लोग आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, इनके घर का क्लेश खत्म हो जाए, आज से घर में शांति देखने पाए, बच्चा शराब पीना छोड़ दे, पति शराब पीना छोड़ दे, लड़की शराब पीना छोड़ दे, हर बाप की गुलामी से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, हर दुष्टात्मा का जाल तोड़ दिया जाए, हर सांप और बिच्छू काट दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए, सिर का दर्द जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाए, गंदा पन जाए, अंधा पन जाए, प्यारा पन जाए, गूंगा पन जाए, आ बाहर बाहर बाहर।
निकल आओ। फायर 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 फायर, रसौलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, कांठे बाहर, अपने हाथों को उठाओ, गिल्टियां बाहर, रसौलियां बाहर, कांठे बाहर, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, कोर्ट कचहरी के मुकदमे जीत जाओ, बड़े बड़े लोन पास हो जाए, बच्चे फॉरन में प्रेस हो जाए, आशीष हो जाए, सुसमाचार सुनाने वाला हो जाए, क्या पंजाब के मंत्री क्या सीएम क्या सब बरकत पाए, हर एक पुलिस प्रशासन बरकत पाए, आज बड़ी आशीष इस मोहल्ले में आने पाए, इस सिलेंडर शहर में आने पाए। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके बंद पड़े दरवाजे खोल देता हूं, भविष्यता होने के नाते तुम्हारी जेब में तुम्हारे अकाउंट में मिराकल मनी की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष देता हूं। उठाऊ बोलो, परमेश्वर तूने मुझे शांति दी आज, तूने मुझे छुटकारा दिया आज, तूने मेरे सारे शैतानी चक्कर खत्म कर दिए। जो अब्राहम के ऊपर बच्चा नहीं था, 90 साल से चक्कर काट रहा था, उसका बच्चा भी 20 साल से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसको बाद में पता लगा मिलिस सिद्दीक के पास, अपने याजक के पास आशीर्वाद लेने जाना पड़ेगा। याद रखना, अगर आपको 10 साल से 20 साल से चक्कर काट रहे हो कर्जे के, बीमारियों के, समस्याओं के, कोर्ट कचहरी के, आज आप प्रॉफिट बजिंदर के पास यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, क्योंकि मेरे ऊपर आज यीशु मसीह आया हुआ है। आज आशीर्वाद दे रहा हूं, आपके सारे चक्कर खत्म। ये भविष्यवाणी है, 3.5 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम है, 3.5 महीने के अंदर आप हंसते हुए आएंगे, जय का झंडा लेंगे, आनंद मनाते हुए आएंगे। बोलो यीशु मसीह की, जोर से नारा लगाओ, 1 2 3 4 ऊपर करो, और इसी समय परमेश्वर इनकी जेब में मेरा एक मनी होने पाए। सुनो, अभी किसी के साथ मेरा एक मनी हुआ है, अभी किसी की पथरी गई है, किसी की रसोली चढ़ा चढ़ा चढ़ा, जिसकी गवाही हाथ उठाकर और शाबाश। देखो, अभी किसी की यहाँ पर खड़ा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई गूंगा और वो बोलने लगा यहाँ पर, पवित्र आत्मा ने कहा चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करो, यहीं पर करो, अपने फोन को देखो, अपने पासवर्ड को देखो, आज मैसेज आएंगे, मैसेज देखो, किसी की गिल्टियां अभी यहाँ पर, जो दुष्ट आत्मा से चिल्ला रही थी, पकड़ 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 कर भरिंडे पकड़, उसे पकड़, उठाओ उठाओ, गिल्टियां थी अभी गई है, अभी काट अच्छे से आग लगा के रखा कर, आज के गांड थी यहाँ पर, गर इतनी बड़ी थी, और अभी जब आपने प्रार्थना किया उड़ गई है, कौन अच्छा, जोर से बोला हालेलुया। बोल रहे थे
परमेश्वर मेरा परमेश्वर वो है सबसे प्यारा, वो है राज दुलारा। बोलो हालेलुया।